नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है रांची गौड़ा स्पेशल ट्रेन, जो कि वनांचल एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है जिसे। तो ये जो ट्रेन है 30 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है रांची से गौड़ा तक चलने वाली रांची गौड़ा एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन, इसे वनांचल एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन के नाम से भी जानते हैं, जो कि वाया क्यूल होकर चलती है। और इसका ट्रेन नंबर है 086-03। ये जो ट्रेन है 30 सितंबर से स्टार्ट हो रही है, यानी कि कल से स्टार्ट हो रही है, और इसका ट्रेन नंबर है 086-03। और ये जो ट्रेन है हफ्ते में 3 दिन चलेगी, रांची जंक्शन झारखंड से हर मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को चलेगी। 16 घंटे 20 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करेगी। इसकी बुकिंग जो है अब ओपन हो चुकी है। 23 इसके स्टेशन होंगे, 612 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर करेगी। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन होगी, तो इसकी एवरेज स्पीड जो है लगभग होगी 40 किलोमीटर पर आवर। कोविड रिजर्व ट्रेन है, साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन जो है इसे ऑपरेट करता है। अगर बात करें इसके टिकट किराए के बारे में तो इसकी बुकिंग जो है ओपन हो चुकी है, आप बुकिंग जाके करवा सकते हैं। रांची गौड़ा एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन जो है इसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी स्लीपर क्लास और सेकंड सिटिंग के कोच हैं। तो मैं आपको इसका कोचेज वाइज किराया बताता हूँ। तो इसमें फर्स्ट एसी का कोच है जिसका रांची से गौड़ा तक का जो टोटल किराया है वो है 2255 रुपये, जिसमें 2087 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 60 रुपये है, GST चार्ज जो है वो 108 रुपये है। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है इसलिए इसमें कोई GST चार्ज जो है नहीं जोड़ा जाता। इसके अलावा इस ट्रेन में सेकंड एसी के कोच भी है। सेकंड एसी का जो रांची से गौड़ा तक का जो टोटल किराया है वो है 1355 रुपये, जिसमें 1236 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, GST चार्ज जो है वो 65 रुपये है। टोटल किराया जो बनता है वो है 1355 रुपये। ये अपडेटेड और सही किराया है, आपको मैंने जो है IRCTC की रेलवे की वेबसाइट से आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। बाकी थर्ड एसी के कोच भी हैं जिसका रांची से गौड़ा तक का जो टोटल किराया है वो है 950 रुपये, जिसमें 861 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, GST चार्ज जो है वो 46 रुपये है। टोटल किराया 950 रुपये बनता है। बाकी इसमें स्लीपर क्लास के कोच भी हैं। स्लीपर क्लास का जो किराया है रांची से गौड़ा तक का वो है 350 रुपये, जिसमें 328 रुपये तो बेस फेयर है, 20 रुपये रिजर्वेशन चार्ज है। टोटल किराया जो बनता है वो है 350 रुपये। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहाँ से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। बाकी सेकंड सिटिंग यानी कि जनरल अनरिजर्व डिब्बे भी हैं जिसमें आपको रिजर्वेशन के साथ जाना होगा। रिजर्वेशन के साथ रांची से गौड़ा तक का जो टोटल किराया है वो है 205 रुपये, जिसमें 190 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 15 रुपये है और टोटल किराया जो बनता है वो है 205 रुपये। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आगे बात करते हैं रांची से गौड़ा तक चलने वाली रांची गौड़ा एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में। ये जो ट्रेन है रांची गौड़ा एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन, जिसे वनांचल एक्सप्रेस भी कहा जाता है, ये रांची जंक्शन झारखंड से हर मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को दोपहर के 3 बजे रवाना होगी और 16 घंटे 20 मिनट बाद ये ट्रेन जो है गौड़ा झारखंड में पहुंचेगी। जो दूसरा स्टेशन है वो है मूरी जंक्शन। मूरी जंक्शन में शाम के 4:10 पर पहुंचेगी, 4:12 पर वहां से रवाना हो जाएगी। बोकारो स्टील सिटी में शाम के 5:25 पर पहुंचेगी और 5:30 पर वहां से रवाना हो जाएगी, 5 मिनट का स्टॉप है। चंद्रपुरा जंक्शन झारखंड में ये शाम के 6:03 पर पहुंचेगी और 6:05 पर वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 128 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। कटरासगढ़ झारखंड में ये शाम के 6:37 पर पहुंचेगी और 6:40 के करीब वहां से रवाना हो जाएगी। 2 मिनट का स्टॉप है, 150 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। धनबाद जंक्शन झारखंड में ये शाम के 7:05 पर पहुंचेगी और 7:10 पर वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, 161 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। पश्चिम बंगाल के चितरंजन स्टेशन में रात के 8:38 पर पहुंचेगी और 8:31 पर वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 225 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। चितरंजन के बाद ये ट्रेन जो है विद्यासागर झारखंड में रात के 8:57 पर पहुंचेगी और 9 बजे के करीब ही वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 260 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा रांची से विद्यासागर तक कवर कर चुकी होगी। इसके बाद ये ट्रेन जो है मधुपुर जंक्शन झारखंड में पहुंचेगी रात के 9:12 पर और 9:22 पर पहुंचेगी और 9:27 पर वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, 283 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। और मधुपुर जंक्शन झारखंड का स्टेशन कोड है MDP। यहां पर पाटलिपुत्र एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होगी। जासीडीह जंक्शन
जो कि झारखंड का स्टेशन है, यहाँ पर ट्रेन जो है रात के 9:52 पर पहुँचेगी और 9:57 पर वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 312 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी और झांसीडीह जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है झारखंड से बिहार में एंटर करेगी। बिहार का जो पहला स्टेशन है इस ट्रेन का वो है झाझा। बिहार में ट्रेन जो है रात के 10:45 पर पहुँचेगी और 10:55 पर वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है, 355 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी और इसका स्टेशन कोड है JAJ। यहाँ पर यह गंगा सागर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन के साथ इसकी क्रॉसिंग होगी। इसके बाद जमुई बिहार में ये ट्रेन जो है रात के 11:13 पर पहुँचेगी और 11:15 पर वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 382 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी और इसका स्टेशन कोड है JMU। इसके बाद ये ट्रेन जो है किउल जंक्शन बिहार में पहुँचेगी। किउल जंक्शन बिहार में रात के 11:55 पर पहुँचेगी और 30 मिनट बाद 12:25 पर वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 30 मिनट का स्टॉप है, यहाँ पर इसका इंजन भी रिवर्स होता है। किउल जंक्शन का स्टेशन कोड है किउल, KIUL। इसके बाद अभयपुर बिहार में रात के 12:55 पर पहुँचेगी और 12:57 पर वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 432 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। अभयपुर बिहार का स्टेशन कोड है EHA। इसके बाद ये ट्रेन जो है जमालपुर जंक्शन बिहार में पहुंचेगी। जमालपुर जंक्शन में रात के 1:26 पर पहुंचेगी और 1:31 पर वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 453 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी और जमालपुर जंक्शन का स्टेशन कोड है JMP। इसके बाद यह ट्रेन जो है बरियारपुर में पहुंचेगी रात के 1:42 पर और 1:44 पर वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 465 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी और इसका स्टेशन कोड है BUP। बरियारपुर के बाद यह ट्रेन जो है अपने अगले स्टेशन सुल्तानगंज में पहुंचेगी रात के 2:04 पर और 2:06 पर वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 484 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी सुल्तानगंज तक। सुल्तानगंज के बाद ये ट्रेन जो है भागलपुर जंक्शन बिहार में पहुंचेगी। भागलपुर जंक्शन बिहार में ये ट्रेन जो है रात के 3:15 पर पहुंचेगी और 3:35 पर वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 20 मिनट का स्टॉप है, यहाँ पर इसका इंजन चेंज होगा और 508 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। बराहट जंक्शन में ये ट्रेन जो है सुबह 4:28 पर पहुंचेगी और 4:30 पर वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 543 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी और इसका स्टेशन कोड है BHLE। इसके बाद ये ट्रेन जो है मंडार हिल स्टेशन में पहुंचेगी। मंडार हिल स्टेशन में ट्रेन जो है सुबह 4:52 पर पहुंचेगी और 4:54 पर वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और इसके बाद ये ट्रेन जो है रांची गोड़ा एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन जो है वो हंसदीहा स्टेशन में पहुंचेगी सुबह 5:30 पर और 5:55 पर वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 25 मिनट का स्टॉप है, 580 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी और इसका स्टेशन कोड HSD है। यहाँ पर इसका इंजन भी रिवर्स होगा। अपने सेकंड लास्ट पे स्टेशन पे ये ट्रेन जो है पुड़ाया हाट में पहुँचेगी। पुड़ाया हाट स्टेशन में ये ट्रेन जो है सुबह 6:03 पर पहुँचेगी और 6:23 पर पहुँचेगी और 6:25 पर वहाँ से रवाना हो जाएगी। 2 मिनट का स्टॉप है, 596 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी और ये झारखंड का स्टेशन है। इसके बाद रांची गोड्डा एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन जिसे वनांचल एक्सप्रेस भी कहते हैं वो अपने आखिरी स्टेशन गोड्डा रेलवे स्टेशन झारखंड में सुबह 7:20 पर पहुँचेगी और 614 किलोमीटर के करीब जो है रांची से गोड्डा तक की दूरी जो है कवर कर चुकी होगी। दोस्तों इसे विनांचल एक्सप्रेस भी कहते थे जो कि वाया किउल होकर चलती है और इसी के साथ रांची गोड्डा एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोज़ बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।